नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। कुर्ता पजामा, शहनाज गिल का गाना, टोनी कक्कड़ के साथ में। हालांकि बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे हैं कि सॉन्ग के अंदर क्या सिड भी हैं। देखो अभी ये तो कंप्लीट नहीं है, जहां तक सोर्सेस वगैरह सब बता रहे हैं जो सॉन्ग के अंदर होना है वो टोनी कक्कड़ और शहनाज कौर गिल, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला जरूर लेके गए थे, मगर इस सॉन्ग में नहीं है अभी तक ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी सॉन्ग जब आएगा, सॉन्ग का टीजर जब आएगा, तब हमें फुल पता चल पाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर कुर्ता पजामा आया भी नहीं और ट्रेंड भी मच गया। कल मैंने आपको बताया था कि इस गाने का ट्रेंड कितना चल रहा था और अभी भी ये गाना, इस गाने का जो टाइटल है वो ट्रेंडिंग में ही चल रहा है। टोनी कक्कड़ का पहले से ही इतना बड़ा नाम और साथ में शहनाज गिल, चार चांद लग गए। तो यहाँ पर टोनी कक्कड़ और शहनाज गिल का ये कुर्ता पजामा सॉन्ग जो है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं 10 तारीख को, ये तो मैंने वैसे बता ही दिया था आपको, 10 तारीख को इसका फर्स्ट लुक मतलब फर्स्ट पोस्टर इसका रिलीज कर दिया जाएगा। गाना कब आना है 10 तारीख को पता चल जाएगा और जैसे ही ये गाना आएगा इसका रिव्यू भी हम बता देंगे करके। इनफैक्ट और सॉन्ग जो है बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सॉन्ग को देखने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे पहले टोनी कक्कड़ के साथ में शहनाज गिल ने एक टिकटॉक बनाया था, राइट, वो टिकटॉक था गोवा वाले बीच पे, वो ट्रेंड भी कर गया था। इस वजह से अप्रोच किया था टोनी कक्कड़ ने शहनाज गिल को, वो बिग बॉस सीजन 13 के घर के घर से आने के फौरन बाद में ही बनाया गया था। तो इनफैक्ट टोनी कक्कड़ ने साफ तौर से शहनाज गिल को बोल दिया था, भाई हम गाना करेंगे, आप बुक हो गई हो, हम गाना करेंगे आपके साथ में। तो इनफैक्ट यही सब बात है। हालांकि लॉकडाउन से पहले इसका शूट होना था, लॉकडाउन की वजह से ये शूट रुक गया। लॉकडाउन की वजह से मतलब ये शूट नहीं हो पाया। अब लॉकडाउन के बाद जैसे ही इंडस्ट्री धीरे 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 खुलने लगी है और वैसे ही शूट भी आ चुका है। तो इनफैक्ट यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि इनका शूट कंप्लीट हो चुका है, एडिट हो चुकी है, पूरा सॉन्ग जो है वो एडिट हो चुका है, टीजर भी बन चुका है, 10 तारीख को पोस्टर रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बाद सॉन्ग आएगा। हाँ, कौन से चैनल पर आएगा? देसी म्यूजिक फैक्ट्री। जी हाँ, देसी म्यूजिक फैक्ट्री पर ये गाना अपलोड किया जाएगा, जहाँ पर आप इसके मज़े उठा सकेंगे। तो इनफैक्ट यहाँ पर 10 तारीख को पहला लुक आएगा और हम उसको एंजॉय करेंगे, तभी हमें पता चल जाएगा कि इस डेट में ये सॉन्ग आना है। टोनी कक्कड़ ने साफ तौर से ट्वीट कर दिया है और साफ तौर से बता दिया है कि हम 10 तारीख को वही अपना गाने का पोस्टर दे रहे हैं। तो ये है बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और अच्छी बात है, हम गाने को एक्साइटमेंट से देखेंगे और अच्छा लगेगा भी हमारे को। फिलहाल तो हम पोस्टर देखते हैं कैसा रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल पर ना है, इनसे जुड़ी अपडेट्स भी रेगुलर आप तक पहुंचाई जाती है, तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।